नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आज हम लो बजट हाई प्रॉफिट देसी पोल्ट्री फार्मिंग इसके बारे में जानकारी लेंगे। टाइटल में ही मैंने आपको बोला है कि लो बजट, ये इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जितने हमारे किसान मित्र है, किसान भाई है, उन सभी को अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहले उन्हें लगता है कि लो बजट वाला बिजनेस होना चाहिए और उसके बाद उससे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसीलिए हम देसी पोल्ट्री फार्मिंग को इस टाइटल में लेते हैं कि लो बजट और हाई प्रॉफिट देसी पोल्ट्री फार्मिंग। अब हम ये देखेंगे कि लो बजट किस तरह से देसी मुर्गी पालन किया जाता है। लो बजट का मीनिंग होता है कि आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें जो पैसा हम लगा रहे हैं वो कम मात्रा में लगा रहे और कम पीरियड में हमें उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो इस तरह से लो बजट फार्मिंग की जाती है। और जितने भी किसान हैं उनके पास हम देखते हैं कि खेती करते समय उसमें से हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सभी ज़रूरतें पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, तो ऐसे समय में हमें हमारे पास बजट भी कम रहता है, तो ऐसे कम बजट में अगर बिजनेस शुरू करना है तो देसी मुर्गी पालन इसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और हम देख रहे हैं कि अभी हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में बहुत सारी देसी मुर्गियों की रेपूटेड हैचरीज अभी शुरू हुई है, वो बहुत जगह पे अच्छे चीक्स भी हमें मिल रहे हैं। इससे पहले ऐसा था कि बहुत बार चिक्स नहीं मिलते थे, लेकिन आज देख रहे कि किसी स्टेट में हैचरी नहीं भी होगी तो वो दूसरे स्टेट से अच्छे हैचरी से बाय ट्रेन चूज़े ले सकता है। हम एक दिन में तकरीबन 18 से 20 घंटे तक यह चूज़े कैरी कर सकते हैं, तो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस तक भी हम अच्छे हैचरी से चूज़े बाय ट्रेन मंगा सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी होने की वजह से जो देसी पोल्ट्री फार्मिंग है ये पॉपुलर होता जा रहा है। और लो बजट में हम देखेंगे कि अगर 1000 चूज़ों से भी हम शुरुआत करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही कम है। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 चूज़ों के लिए देखा जाए तो 1 केजी की मुर्गी हमें तैयार करनी है तो 1000 चूज़ों के लिए तकरीबन 1.5 से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा, और ये भी हमें 2 से 3 महीने के पीरियड के लिए चाहिए। लेकिन इस 2 से 3 महीने के पीरियड के बाद हम देखते हैं कि 1.5 से 2 लाख इन्वेस्ट करके अगर अच्छी प्रॉपर मार्केटिंग हम करते हैं तो हमें इससे 1.5 से 2 गुना पैसा मिलता है। तो इस वजह से जिन किसानों को छोटे पैमाने पे शुरू करना है, मैंने 1000 बोला है, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे कि जो कि 100 मुर्गियों से आप शुरुआत कर सकते हैं और इससे भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि हमने ये देखा है पिछले बहुत सारे वीडियो में कि जितनी बर्ड्स की संख्या कम रहती है उतना प्रॉफिट मैक्सिमम मिलता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो है देसी मुर्गी पालन में जुड़े, छोटे पैमाने पर मुर्गी पालन शुरू करें और इससे अच्छा प्रॉफिट कमाए। धन्यवाद।